आज 4 फरवरी भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज कुमार गुप्ता ने अपने आवासीय परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने व्यापार प्रकोष्ठ को बूथ स्तर तक ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक छोटे छोटे व्यवसायों को त्वरित गति से जोड़कर उनके समस्याओं का हल किया जाएगा। सरकार रोज नियम बदल रही है, उससे जनता को परेशानी हो रही है। परेशानी नहीं, उसमें क्या है कि जनता की तरफ से जो परेशानी आता है उसमें संशोधन किया जाता है, किससे परेशानी हो रहा है जनता को, उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, संशोधन उसके ख्याल को रखते हुए। कुछ उदाहरण भी हम लोगों को दे देंगे तो ज्यादा समय का पेपर में आता रहता है, और आप जिस तरह कह रहे थे बीजेपी का ग्राफ घटा है, बीजेपी का ग्राफ अभी नहीं है, अभी कि ग्राफ घट गया है, चुनाव के समय देखिएगा बीजेपी का ग्राफ घटेगा। यहाँ पर बिहार के बिहार इकाई बिहार प्रदेश का व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक प्रदेश कमेटी ने हमको बनाया। प्रदेश में 2 दिन पहले वहाँ घोषणा किए थे अपने कमेटी का, उसी को अपने जिला में घोषणा करना था और जिला कमेटी का भी घोषणा करना था। साथ साथ हम अपने प्रकोष्ठ के तरफ से संगठन के लिए क्या क्या कार्य करने वाले हैं उस चीज़ को जानकारी देना था प्रेस के माध्यम से। तो हमने प्रेस को बताया इस कॉन्फ्रेंस में कि हम अपने संगठन को व्यापार प्रकोष्ठ को पंचायत स्तर से इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे, जो समस्तीपुर जिला होगा पहला जिला। पंचायत में जो जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, छोटा छोटा दुकान है चौक चौराहे पर, उसको भी अपने संगठन में जोड़ेंगे। साथ साथ जो किसान अपने खेत से जो अनाज उपजाते हैं उसको खेत में ही कुछ व्यापारी लोग उस अनाज को खरीद लेते हैं, उसको बाज़ार में ले जाकर बेचते हैं। उसको आज तक कोई भी संगठन कोई भी पार्टी के लोग उससे संपर्क में नहीं आए हैं, उस व्यापारी के संपर्क में, जिसको कि हम अपने संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से उसको जोड़ेंगे। और ये मिशन है मेरा पूरे 2018 में हर ज़िले में, बिहार प्रदेश के हर ज़िले में इसका आयोजन करेंगे। साथ साथ जो GST का विषय है, जो हमारे विरोधी दल हमारे छोटे छोटे व्यापारी को भ्रमित करते हैं, इससे हमें एक बड़ी जवाबदेही मिली है। जिला में एक व्यापारिक प्रकोष्ठ में जिला संयोजक के रूप में हमें मनोनीत किया गया है, और प्रदेश से जो भी हमको गाइडलाइन मिलेगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे।